गौतम गंभीर के राज में इन तीन खिलाड़ियों का भरी जवानी में हो गया करियर खत्म। टूट गई वापसी की सारी उम्मीदें, अब कभी नहीं दिखेंगे टीम इंडिया में। पिछले चार साल से तरस रहे थे टीम इंडिया में वापसी के लिए, टीम में डेब्यू मैच खिलाकर ही फेंक दिया था बाहर, अब तो कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। हीरो से जीरो बन गए थे तीन युवा शेर, जबकि प्रदर्शन करते थे दमदार। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी, कौन थे वो तीन युवा शेर जिनका करियर गौतम गंभीर के कोच बनने के साथ ही खत्म हो चुका है, क्योंकि कमाल का प्रदर्शन करने वाले इन तीन खिलाड़ियों को अब टीम इंडिया में कोई पूछता तक नहीं है। तो दोस्तों, भारत टीम जहां एक तरफ अपनी अगली सीरीज जो कि भारत टीम श्रीलंका के खिलाफ खेलने जा रही है उसकी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन भारत टीम अभी कई ज्यादा बड़े बदलाव से गुजर रही है और वो बदलाव है भारत टीम के कोचिंग स्टाफ के बदलाव को लेकर। दरअसल दोस्तों, टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में कई बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप में भारत टीम ने साउथ अफ्रीका टीम को फाइनल में हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। फाइनल जीतने के बाद जहां एक तरफ पूरी की पूरी टीम इंडिया जश्न में डूबी हुई थी, वहीं कई बड़े नामों का संन्यास भी हुआ। विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जडेजा हो गए और तो और उसी के साथ साथ कोच राहुल द्रविड़ का भी कोचिंग कार्यकाल खत्म हो गया था। कोच राहुल द्रविड़ के कोचिंग कार्यकाल खत्म होने के बाद टीम इंडिया के नए कोच के नाम पर गौतम गंभीर को लाया गया है। गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के सुपरस्टार बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने हाल ही में IPL में KKR के लिए कोचिंग भी दी थी, जिसको लेकर हर कोई हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि दोस्तों अकेले दम पर उन्होंने KKR को वो करवा दिए जिसकी वे केवल और केवल कल्पना ही कर सकते थे। KKR के लिए शानदार साल बिताने वाले गौतम गंभीर के लिए टीम इंडिया की कोचिंग करना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके कोच बनते ही तीन बड़े खिलाड़ियों का नामो निशान मिटने वाला है, क्योंकि अब उन खिलाड़ियों को मौका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। नंबर वन पर जो नाम आता है दोस्तों, वो है टी नटराजन का। टी नटराजन आपको मालूम होगा कि दोस्तों टीम इंडिया के वैसे गेंदबाजों में आते हैं जिनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बुलाया जाता था। टी नटराजन जब बॉलिंग करते थे तो सामने वाले बल्लेबाज की रूह कांपती थी, क्योंकि दोस्तों टी नटराजन यहां पर दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी यॉर्कर के साथ साथ कटर और स्लोअर वन भी फेंकते थे। ऐसे में दोस्तों उनके यहां पर टीम इंडिया में ना खेलने से टीम इंडिया को काफी ज्यादा लॉस भी हो रहा था। देखिए, टी नटराजन अभी तक चार T20 मैच खेले हैं जिसमें 7 विकेट चटका चुके हैं और T20 में इनका रिकॉर्ड काफी ज्यादा बेहतर है, पर अब गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट टीम इंडिया नहीं करना चाहेगी, इस वजह से दोस्तों टी नटराजन टीम इंडिया से बाहर ही रहने वाले हैं। वहीं बात करेंगे दोस्तों अगले खिलाड़ी की, तो उनका नाम रहने वाला है उमरान मलिक। उमरान मलिक के दोस्तों डेब्यू के वक्त ही ये बोल दिया गया था कि ये खिलाड़ी आने वाले का शोएब अख्तर है। उमरान मलिक की स्पीड को देखने के बाद हर कोई हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि 150+ की स्पीड से वे गेंदबाजी कर रहे थे, पर उन्होंने 8 T20 मैच टीम इंडिया के लिए खेले जहां पर उन्होंने 11 विकेट भी चटकाए, पर उनका जो इकोनॉमी रेट था वो काफी ज्यादा खराब था। इनके पेस के बदौलत भी उनका यहां पर दोस्तों काफी मार झेलनी पड़ी, इस वजह से दोस्तों उमरान मलिक को टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पाया। अगला नाम है दोस्तों पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ भी उन खिलाड़ियों में से हैं जिनका गौतम गंभीर के कार्यकाल में मौका मिलना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी शॉ को उतना ज्यादा पसंद नहीं करते यहां पर दोस्तों। अगर बात करें हम गौतम गंभीर की, तो पृथ्वी शॉ थोड़ा केयरलेस खिलाड़ी है, भले ही उन्होंने टीम इंडिया के लिए सुपरस्टार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हो, पर वे थोड़े केयरलेस खिलाड़ी है, अपनी फिटनेस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से दोस्तों अब उनका करियर खत्म हो गया है। अब इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।